उत्तर पुराण एक पंचाशतम पर्व 51वां पर्व। अथांतर जो लोग सुमतिनाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मत में ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषों के द्वारा गाए हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। अखंड घातकी खंड द्वीप में पूर्व मेरु से पूर्व की ओर स्थित विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नाम का उत्तम देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी में रतिशयन नाम का राजा था। वह राजा राजसंपदाओं से सहित था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और पूर्व भाग में उपार्जित विशाल पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए राज्य को नीति पूर्वक उपयोग करता था। उसका वह राज शत्रुओं से रहित था, क्रोध के कारणों से रहित था और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता था। राजा रतिशयन की जो राजविद्या थी वह उसी की थी, वैसी राजविद्या अन्य राजाओं में नहीं पाई जाती थी। आनवीच की त्रयी वार्ता और दंड इन चारों विद्याओं में चौथी दंडा वधा का वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा प्राणदंड आदि अनेक दंडों में से किसी भी एक दंड के मार्ग में नहीं जाती थी। इंद्रियों के विषय में अनुराग रखने वाले मनुष्यों को जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम अपने इष्ट समस्त पदार्थों की संपत्ति रहने से राजा रतिशयन को कुछ भी दुर्लभ नहीं था। वह राजा अर्जन लक्षण वर्धन और व्यय इन चारों उपायों से धन संचय करता था और आगम के अनुसार अर्हत भगवान को ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्म को वह काम की अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था, अर्थात काम की अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थ का अधिक सेवन करता था। इस प्रकार लीलापूर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले और परस्पर की अनुकूलता से धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग की वृद्धि करने वाले राजा रतिशयन का जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उनके हृदय में निम्नांकित विचार उत्पन्न हुआ। वह विचार करने लगा कि इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला क्या है और पर्याय रूपी भवरों में रहने वाले दुर्लभ तथा दूर स्मरण रूपी सर्पों से दूर रहकर यह जीव सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अर्थ और काम से तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उसके संसार की ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्म में पाप की संभावना है उस धर्म से भी सुख नहीं हो सकता। हाँ, पाप रहित एक मुनि धर्म है, उसी से इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विरक्त राजा के हृदय में उत्तम फल देने वाला विचार उत्पन्न हुआ। तदंतर संसार का अंत करने वाले राजा रतिशयन ने राज्य का भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्र के लिए सौंप कर तप का हल्का भार धारण किया। उसने अहर नंदन जिनेन्द्र के समीप दीक्षा धारण की, 11 अंगों का दहन किया और मोह शत्रु को जीतने की इच्छा से अपने शरीर में भी ममता छोड़ दी। उसने दर्शन विशुद्धि विनय संपदा आदि कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, सो ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। उसने अंत समय में संसार संन्यास मरण कर उत्कृष्ट आयु का बंध किया तथा वैजयंत विमान में अहमिंद पद प्राप्त किया। वहां उसका एक हाथ ऊंचा शरीर था। वह 16 माह तथा 15 दिन में एक बार श्वास लेता था। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। शुक्ल लेशिया का धारक था और अपने तेज तथा अवधि ज्ञान से लोक नाड़ी को व्याप्त करता था। उतनी ही दूरी तक विक्रिया कर सकता था और लोक नाड़ी उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखता था। इस संसार में अहमेंद्र का सुखी मुख्य सुख है वह निर्द्वंद है, प्रविचार से रहित और राग से शून्य है। अहमेंद्र का सुख राजा रतिशयन के जीव को प्राप्त हुआ था। आई के अंत में समाधि मरण कर वह जब वह अहमिंद्र यहाँ अवतार लेने को आए हुआ तब इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान ऋषभदेव के वंश तथा गोत्र में उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शत्रुओं से रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था।
मंगला उसकी पटरानी थी जो रत्न वृष्टि आदि अतिशयों से सम्मान को प्राप्त थी। उसने श्रावण शुद्ध द्वितीया के दिन मघा नक्षत्र में हाथी आदि 16 स्वप्न देख के अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिंद्र रानी के घर में आया। अपने पति के से सपनों का फल जानकर रानी बहुत हर्षित हुई। तदनंतर 9वें चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र पितृयोग में उसने 3 ज्ञान के धारक सत्पुरुषों में श्रेष्ठ और त्रिभुवन के भर्ता उस अहमिंद्र के जीव को उत्पन्न किया। सदा की भांति इंद्र के लोग जिन बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए वहाँ उनका जन्माष्टमी संबंधी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर घर वापस ले आए। अभिनंदन स्वामी के बाद 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद उत्कृष्ट पुण्य को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए। उनकी आयु भी इसी समय में शामिल थी और उनकी आयु 40 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति थी। उनकी आयु में शामिल थी इनकी आयु 40 लाख पूर्वों की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति थी और आकार स्वभाव से ही सुंदर था। वे देवों के द्वारा लाए हुए बाल्यकाल के योग समस्त पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होते थे। उनके शरीर के अवयव ऐसे जान पाते थे मानो चंद्रमा की ही किरणें हों। उनके पतले टेढ़े चिकने तथा जामुन के समान कांति वाले सिर के केस ऐसे जान पाते थे मानो मुख में कमल की आशंका कर बोहरे ही इकट्ठे कर किए हों। मैंने देवों के द्वारा अभिषेक के बाद 3 लोक के राज्य का पट्ट किया है यह सोचकर ही मानो उनके ललाट ऊंचाई को प्राप्त हुआ था। 3 ज्ञान को धारण करने वाला भगवान के कान सब लक्षणों से युक्त थे और 5 वर्ष बाद भी उन्होंने किसी के शिष्य बनने का तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था। उनकी भौहें बड़ी ही सुंदर थी। बहों के संकेत मात्र से दिए हुए धन समूह से उन्होंने याचकों को संतुष्ट कर दिया था। अतः उनकी बहों की शोभा बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी। समस्त ईश पदार्थों के देखने से उत्पन्न होने वाले अपरिमित सुख को प्राप्त करते हुए उनके दोनों नेत्र विलास से पूर्ण थे, स्नेह से भरे थे। शुक्ल कृष्ण और लाल इस प्रकार 3 वर्ण के तथा अत्यधिक सुशोभित होते थे। मुख कमल की सुगंधि का पान करने वाले उनकी नाक मेरे बिना मुख की शोभा नहीं हो सकती इस बात का अहंकार धारण करती हुई मानो ऊंची उठ रही हो। उनके दोनों कपोलों की लक्ष्मी उत्तमांग अर्थात मस्तक का आश्रय होने से तथा संख्या में 2 होने के कारण वक्ष स्थल तक रहने वाली लक्ष्मी को जीतती हुई शोभित होती थी। उनके दांतों की पंक्ति कुंद पुष्प के सौंदर्य को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मुख कमल में निवास करने से संतुष्ट होती हुई सरस्वती ही हो। जिन्होंने समस्त देवों को तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वत की शोभा बढ़ाई और 6 रसों के सिवाय 7वें अलौकिक रस के आस्वादन से सुशोभित हैं, ऐसे उनके ओंटों की अक्षर तुच्छ संज्ञा नहीं थी। जिसने समस्त पदार्थों का उल्लेख करने वाली दिव्य ध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुख की शोभा तो कहीं नहीं जा सकती। उनके मुख की शोभा वचनों से प्रिय तथा उज्ज्वल थी तथा अथवा वचन रूपी वल्लभा सरस्वती से दधीत मानती। जबकि अपने अपने वल्लभाओं से सहित देवेंद्र भी उस संतृप्त भ्रमर जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए थे तब उनके मुख कमल के हाव का क्या वर्णन किया जाए। जिन्होंने स्वाद व सिद्धांत से समस्त वादियों को कुंडित कर रखा था दिया है ऐसे भगवान सुमतिनाथ के कंठ में जब इंद्रों ने 3 लोक के अधिपत्य की कंठी बांध रखी थी तब उनकी क्या प्रशंसा की जावे। सिर से भी ऊंचे उठे हुए उनके भुजाओं के शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी की क्रीड़ा पर्वती हो। घुटनों तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथ की भुजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो पृथ्वी की लक्ष्मी को हरण करने के लिए वीर लक्ष्मी ने अपनी भुजाएं फैलाई हो। उनके वक्ष स्थल की शोभा का पृथक पृथक वर्णन कैसे किया जा सकता है जबकि उस पर मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी साथ ही निवास करती होती। उनका मध्य भाग कृष्ण होने पर भी कृष्ण नहीं था क्योंकि वह मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी से युक्त उनके भार शरीर को लीलापूर्वक धारण कर रहा था। उनकी आवर्त के समान गोल गहरी नाभि थी और यह कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीर में अच्छी ही नहीं जान पड़ती।
समस्त अच्छे परमाणु ने विचार किया कि हम किसी अच्छे आशय के बिना रूप तथा शोभा को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आकर स्थित हो गए थे, इसीलिए उनकी कमर अत्यंत सुंदर हो गई थी। केले के स्तंभ आदि पदार्थ अन्य मनुष्यों की जांघों की उपमाएं को भले ही प्राप्त हो जाए, परंतु भगवान सुमतिनाथ के जांघों के सामने वे कुलाई आदि गुणों से उपमेय ही बने रहते थे। विधाता ने उनके सुंदर घुटने किस लिए बनाए थे यह बात मैं ही जानता हूँ, अन्य लोग नहीं जानते। और वह बात यह है कि इतनी इनकी उर्वरत जंघाओं में शोभा संबंधी ईर्षा न हो, इस विचार से ही बीच में घुटने बनाए गए थे। विधाता ने उनकी जंघाएं वज्र से बनाई थी, यदि ऐसा ना होता तो वे क्रश होने पर भी त्रिभुवन के गुरु अथवा त्रिभुवन में सबसे भारी उनके शरीर के भार को कैसे धारण करती। यह पृथ्वी संपूर्ण रूप से हमारे तलवों के नीचे आकर लग गई है, यह सोचकर ही मानो उन्होंने दोनों पैर हर्ष से कछुए की पीठ के समान शुभ कांति के धारक हो गए थे। इन भगवान सुमतिनाथ में कर्मों का नष्ट करने वाले इतने धर्म प्रकट होंगे, यह कहने के लिए ही मानो विधाता ने उनकी 10 उंगलियां बनाई थी। उनके चरणों के नख ऐसी शंका उत्पन्न करते थे मानो उनसे श्रेष्ठ कांति प्राप्त करने के लिए चंद्रमा 10 रूप बनाकर उनके चरणों की सेवा करता था। इस प्रकार लक्षणों तथा व्यंजनों से सुशोभित उनके सर्व शरीर की शोभा मुक्ति रूपी से इसके स्त्री को स्वीकृत करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं था। इस प्रकार भगवान की कुमार अवस्था स्वभाव से ही सुंदरता धारण कर रही थी। यदि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेव के बिना ही अधिक सुंदर थे। तदंतर यौवन प्राप्त कर काम देखने देव ने भी उनमें अपना स्थान बना लिया था, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते। इस प्रकार क्रम क्रम से जब उनके कुमार काल के 10 लाख पूर्व बीत चुके थे, तब उन्हें स्वर्ग लोक का साम्राज्य का तिरस्कार करने वाला मनुष्यों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। शुक्ल लेशा को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, ना झूठ बोलते थे, ना चोरी तथा परिग्रह संबंधी आनंद उन्हें स्वप्न में भी कभी प्राप्त होता था। भावार्थ, वे हिंसानंद, मर्षानंद, स्त्रियानंद और परिग्रहानंद इन चारों रौद्र ध्यान से रहित थे। उन्हें ना कभी अनिष्ट योग होता था और ना इनका इष्ट वियोग होता था, ना ही कभी वेदनाजनित दुख होता था और ना ही वे कभी निंदा नहीं करते थे। इस प्रकार वे चारों आत्म ध्यान संबंधी संक्लेश से रहित थे। गुण पुण्य और सुखों के धारण करने वाले भगवान अनेक गुणों की वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्म का संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मों के विपाक का अनुभव करते थे। अनुराग से भरे हुए देव, विद्याधर और भूमि गोचरी मनुष्य सदा उनकी सेवा किया करते थे। उन्होंने इस लोक संबंधी समस्त आरंभ दूर कर दिए थे और वे सर्व संपदाओं से परिपूर्ण थे। वे मनुष्य तथा देवों में होने वाले काम भोगों में, न्यायपूर्ण अर्थ में तथा हितकारी धर्म में सदा शेष सुख को प्राप्त हुए थे। वे दिव्य अंगरांग माला, वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुंदर समान अवस्था वाली तथा स्वेच्छा से प्राप्त हुई स्त्रियों के साथ रमण करते थे। समान प्रेम से संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मनुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुंचाती थी, सो ठीक ही है, क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता है। संसार में सुख वही था जो इनके इंद्रिय गोचर था, क्योंकि स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इंद्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था। इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी इन दोनों में समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमतिनाथ संसार से विरक्त हो गए, सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्यपना इसे ही को कहते हैं। भगवान ने विचार किया कि अल्प सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मानव इस विषय रूपी मांस में क्यों लंपट हो रहे हैं। यदि ये संसार के प्राणी मछली के समान आचरण ना करे तो इन्हें पाप रूपी वंशी का साक्षात्कार ना करना पड़े। सो परम चातुर्य को प्राप्त नहीं है ऐसा मोह प्राणी भले ही अहितकारी कार्यों में लीन रहे, परंतु मैं तो 3 ज्ञानों से सहित हूँ, फिर भी अहितकारी कार्यों में कैसे लीन हो गया। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता तब तक और यथेष्ट सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा के स्वरूप में स्थिरता कैसे हो सकती है, और जिससे इस स्वस्वरूप में स्थिरता नहीं है उससे सुख कैसे हो सकता है।
राज्य करते हुए जब उन्हें 29 लाख पूर्व और 12वां पूर्वांग बीत चुके थे, तब अपनी आत्मा से उन्होंने पूर्वक विचार किया। उसी समय सारस्वत आदि समस्त लोकांतिक देवों ने अच्छे अच्छे स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की। देवों ने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नाम की पालकी उठाई। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने वैशाख सुदी नवमी के दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय सहेतुक वन में 1,000 राजाओं के साथ वेला का नियम लेकर दीक्षा धारण की। संयम के प्रभाव से उसी समय मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे भिक्षा के लिए सोमनस नामक नगरी में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति के धारक पद्मराज ने पड़गा कर आहार दिया और स्वयं प्रतिज्ञा की। उन्होंने सर्व प्राश की पाप की निवृत्ति रूप सामायिक संयम को धारण किया था। वे मौन से रहते थे, उनके समस्त पाप शांत हो चुके थे और वे अत्यंत सहिष्णु सहनशील थे, और जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तप को बड़ी सावधानी से साथ तपते थे। उन्होंने छद्मस्थ रह के 20 वर्ष बिताए। तदंतर उसी सहेतुक वन में प्रियंग वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया और चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था तब केवल ज्ञान उत्पन्न किया। देवों ने उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की। सप्त ऋतियों के धारक अमर आदि 116 गणधर निरंतर सम्मुख रहकर उनकी पूजा करते थे। 2,400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे और वे 2,54,350 शिक्षकों से सहित थे। 11,000 अवधि ज्ञानी उनकी पूजा करते थे। 13,000 केवल ज्ञानी उनकी स्तुति करते थे। 8,400 विक्रिय अवधि के धारण करने वाले उनका स्तवन करते थे। 10,400 मना पर ज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे और 10,450 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलकर रहते थे और 10,400 इस प्रकार सब मिलाकर 3,20,000 मुनियों से सुशोभित हो रहे थे। अनंत मति आदि 3,30,000 आरिकाएं उनकी अनुगामिनी थी। 3 लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे और 5 लाख श्राविकाएं उनके साथ थी। असंख्या देव देवी और असंख्या तिरंचों से वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देवों के द्वारा पूजित भगवान सुमतिनाथ ने 18 क्षेत्रों में विहार कर भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया। जिस प्रकार अच्छी भूमि में बीज बोया जाता है उसी प्रकार महान फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान ने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओं में भव्य जीवों के लिए दिव्य ज्ञान रूपी बीज बोया था और उससे उन्हें भव्य जीवों के रत्नत्र रूपी महान फल की प्राप्ति हुई। अंत में जब उनकी आयु 1 मास की रह गई तब उन्होंने विहार करना बंद कर सम्मेश गिरी पर 1,000 मुनिराजों के साथ में प्रतिमा योग धारण कर लिया और वहीं से चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण को प्राप्त किया। देवों ने उनका निर्वाण कल्याण किया जो पहले शत्रु राजाओं को नष्ट करने के लिए यमराज के दंड के समान अथवा इंद्र के समान पुंडरीकिणी नगरी के अधिपति राजा रतिक्षण थे, फिर वैजंत विमान में अहमिंद हुए और फिर अनंत लक्ष्मी के धारक समस्त गुणों संपन्न एवं तृप्त सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें। जो भगवान स्वर्गतरण के समय गर्भ कल्याण के उत्सव में सद्योजात कहलाए, जिनमें जन्माभिषेक के समय इंद्रों के वज्र से विचरित आभूषणों से सुशोभित होकर वाम कहलाए, दीक्षा कल्याण के समय अघोर कहलाए और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर ईशान कहलाए और निर्वाण होने पर तत्पुरुष कहलाए, ऐसे राग द्वेष रहित अतिशय पूज्य भगवान सुमतिनाथ का शांति के लिए हे भव्य जीवो आश्रय ग्रहण करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में सुमतिनाथ तीर्थंकर का पुराण वर्णन करने वाला 51वां पर्व पूर्ण हुआ।